हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रिद्धि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश एंड ये लेक्चर ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी सीरीज़ का पार्ट है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट दिस कोर्स आप सिनॉप आई एस डॉट कॉम विज़िट करके ले सकते हैं तो पुलिस रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश का मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ तो हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर से पहले क्या चल रहा था किस तरीके के पुलिस सिस्टम चल रहा था या लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम या फिर मैनेजमेंट का सिस्टम कैसे चल रहा था पूरा एरिया में तो प्री कॉलोनियल इंडिया में जो कि ब्रिटिशर्स के पहले का टाइम होता है उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो मुगल्स के अंडर थी तो मुगल्स थे और जो बाकी की नेटिव स्टेट्स थी वो ऑटोक्रैटिक थी ऑटोक्रैटिक का मतलब होता है कि उस टाइम पर कैसे थे कि एक राजा होता था और वही सारा देखभाल करता था सारी चीज़ों का तो एक ही बंदे के पास जब सारी पावर आ जाती है ऑटोक्रेटिक इन नेचर थी ठीक है तो यहाँ पर क्या था इनका कोई पहले मुगल्स का कोई सेपरेट पुलिस सिस्टम नहीं था कोई ऐसा फॉर्मल नहीं था कोई कि पुलिस आपके लिए बनाई जा रही है या फिर कोई थाना बनाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं था बट यहाँ पर अब जब कुछ था नहीं ऐसा वॉच करने वाला सिस्टम या पुलिस नहीं थी तो कुछ तो होगा ही ना जो कि विलेजेस का और सिटीज़ का मेंटेनेंस वगैरह देख रहा होगा तो गांव के लिए क्या होता था कि विलेजेस के मेंटेनेंस के लिए एक वॉच गार्ड तो लगाया ही जाता था जो कि विलेजेस को रात को प्रोटेक्ट करके रखेगा तो बाद में ऐसे बहुत सारे पोजीशंस आ गई थी बहुत सारे ऐसे पोजीशंस और डेजिग्नेशंस दे दिए गए थे उनके नाम अलग अलग हो गए थे बट काम मोरलेस वही था जो आज की डेट में भी होता आ रहा है तो आप उसको उसी तरीके से रिकोगनाइज़ करोगे कि काम जो आज की डेट में हो रहा है बस उसके नाम उस टाइम पर अलग थे मुगल के टाइम पर तो मुगल रूल के टाइम पर जो लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे उनको फौजदार कहते थे फिर ऐसे कुछ लोग थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था इनको अमील कहते थे अब आपको पता है रेवेन्यू आप कलेक्ट करने अगर आप भी जाओगे तो क्या चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ेंगे बहुत बार पब्लिक के साथ आपकी लड़ाई भी हो जाएगी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भैया हमारे पास नहीं है रेवेन्यू या हम नहीं दे सकते और आपका काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना तो आपको तो कैसे ना कैसे करके रेवेन्यू कलेक्ट करना ही पड़ेगा तो वो सारे इश्यूज अमील्स को फेस करने पड़ते थे तो अब क्या होता था ये तो हो गया विलेज़ज़ में क्या चलता था अब दूसरी जगह होती थी सिटीज़ सिटीज़ में क्या होते थे सिटीज़ में होते थे कोतवाल तो आज भी वही कहते हैं और तो पहले के टाइम पे भी वही कहते थे कोतवाल का, का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना सिटीज़ में ठीक है अब बंगाल बिहार और उड़ीसा बंगाल बिहार उड़ीसा बी बी ओ ठीक है यहाँ पर सेवनटीन से लेकर के सेवेंटीन ये जो टाइम होता है यहाँ पर डूअल रूल चल रहा था तो ज़मींदार को इस टाइम पर यह कहा गया था कि आप थानेदार वगैरह जो है ये जो स्टाफ होता है पुलिस का बेसिकली जो नॉट एग्जैक्टली exactly पुलिस बट उस टाइम पर थानेदार का, का काम क्या होता था यही होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का तो यहाँ पर ज़मींदार को ये कहा जाता था ज़मींदार ठीक है आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके मैं बताती बताते ज़मींदार को ये कहा जाता था अभी आप ना कॉन्टेंट मैं देखना सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ लो ठीक है अब ज़मींदार को ये बोल दिया जाता था इस टाइम पर डूअल रूल के टाइम पर कि आपका काम है आप ये पूरा स्टाफ मेंटेन करके रखोगे इंक्लूडिंग थानेदार जो थानेदार होते थे जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे तो ज़मींदार के हाथ में अभी काफ़ी अच्छी खासी पावर आ गई थी उसके हाथ में इतनी भी पावर थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेगा और आपको पता है जब भी किसी के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है तो उसका मिसयूज़ करना भी एक पावर आ जाता है ठीक है मिसयूज़ करना भी उसके हाथ में होता है फिर आप या तो उस पावर का यूज़ कर सकते हो या मिस यूज़ कर सकते हो और मिस यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है उसमें ग्रीड इन्वॉल्व होती है तो यहाँ पर क्या था कि सिंस जमींदार को बोला कि आप पीस मेंटेन करो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो इनफैक्ट क्राइम और क्रिमिनल से डील करने का भी काम ज़मींदार का हो गया था क्राइम भी होता है कोई क्रिमिनल भी होता है वो भी यही देखेंगे बट ज़्यादातर क्या होता था ज़मींदार अपनी ड्यूटीज निगलेक्ट ही कर देते थे अगेन वही काम वाला एटीट्यूड है और मेहनत तो कोई नहीं करना चाहता और अच्छा काम कौन करना चाहेगा जब उसके पैसे ही मिल रहे हैं आपको ज़्यादा बुरा काम करके ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो है ना तो वो वाली चीज़ हो रही थी ज़मींदार ने अपनी ड्यूटीज़ निगलैक्ट कर दी और ये लोग भी डकैत के साथ मिल जाते थे मतलब कि जो भी क्रिमिनल थे उनके साथ मिल जाते थे और उनको कहते थे कि भैया जो भी तुम लूट के लाए हो उसमें से आधा शेयर मेरे को दो ठीक है वो वाला सिस्टम चल रहा था तो सेवनटीन का टाइम आता है जब ये जो फ़ौजदार और अमील का ये जो सिस्टम चल रहा होता है ये इनको रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा सिस्टम यहाँ तो ज़मींदार भी लुटेरे बन गए हैं तो ये सिस्टम तो नहीं चल रहा तो फौजदार और अमील का सिस्टम जो है वो अबोलिश कर दिया जाता है इन सेवनटीन सेवेंटी अब होता क्या है कि सिंस ये सिस्टम अबोलिश हो गया तो सेवनटीन सेवेंटी फोर का टाइम होता है जब वॉरन हेस्टिंग्स आते हैं तो वॉरन हेस्टिंग क्या कहता है कि ये फौजदार का सिस्टम वापस से रिस्टोर करता है कि भाई काम तो नहीं चल रहा है इसके ये अबॉलिश तो तुमने कर दिया पर काम तो नहीं हो रहा है अब इससे इसके बिना तो 1774 में वॉरन हेस्टिंग फौजदार का सिस्टम दोबारा से लेके आता है और ज़मींदार को कहता है कि ये डकैतियाँ वगैरह जिसमें तुमने हाथ दी साथ में साथ दिया था डकैत का वो चीज़ों अब सब प्रेस करने का काम अब तुम्हारा होगा तो ज़मींदार को ये काम दिया जाता है वॉरन हेस्टिंग्स के द्वारा कि अब कोई डकैतियाँ नहीं होंगी अगर कोई डकैत हैं उनको सप्रेस तुम ही करोगे जो वायलेंस और डिसऑर्डर चल रहा है पूरे एरिया में वो भी खत्म करने का काम तुम्हारा है ठीक है तो ये यही सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि फ़ौजदार थाना उसके बाद इस्टेब्लिश किए गए थे तो सेवनटीन का ये टाइम होता है जब ये फ़ौजदार थानाज इस्टैब्लिश कर दिए गए थे जो भी लार्ज डिस्ट्रिक्स थे उनके जो मेजर मेजर टाउन थे उसमें सारे फौजदार थाना इस्टेब्लिश कर दिए गए कि तो आप लोग का काम है लॉ एंड ऑर्डर अपने अपने एरिया के हिसाब से अपने थानों के हिसाब से देख लेना ठीक है और इनको काफ़ी सारे पुलिस स्टेशन थे छोटे छोटे से बना दिए गए थे वो असिस्ट करते थे इन थानों को ठीक है तो उसके बाद पुलिस सिस्टम में फिर ब्रिटिशर्स आई गए थे सिंस वॉरन हेस्टिंग से फिर धीरे धीरे पुलिस सिस्टम में थोड़ी सी डेवलपमेंट होने लगी थी ब्रिटिशर्स के अंडर तो क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी वो अब हम देख लेते हैं ठीक है बस आपको ये ध्यान रखना है कॉन्टेंट के हिसाब से अब आप कॉन्टेंट देखोगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ब्रिटिशर्स से पहले पर्सनल और रिलीजियस लॉज जो है वो डोमिनेट करते थे बट रूल ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ का कोई कंसेप्ट उस टाइम पर था ही नहीं ठीक है और ये वाला जो सिस्टम थे फौजदार अमील के मुग़ल रूल के टाइम पर थे बाद में अबॉलिश हो गए थे और उसके बाद फिर लोग आए जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए उनको जो भी समझ में आया कि भाई ये सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो थोड़ा सा प्लस एंड माइनस करके इन लोगों ने अपनी एल्गोरिदम्स बिठाई होंगी उसके बाद जो भी हुआ वो हम देखते हैं तो सेवनटीन का टाइम होता है लॉर्ड कॉर्नवेलिस का टाइम होता है लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने क्या कहा था बेसिकली इन्होंने एक रेगुलर पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइज कर दी कि तुम्हारा काम है ये पुलिस आ गई अब पुलिस का काम है अब आप यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन होगा पुलिस तो बिठा दी गई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को बोल दिया गया पर करें क्या कैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने पुराने सिस्टम पे गए जो थाना का सिस्टम चल रहा था वो वाले सिस्टम पे गए ये लोग और इन्होंने कहा कि हम इसी सिस्टम को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज़ कर देंगे क्योंकि सिस्टम तो ये ठीक ही लग रहा है बट इसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की कमी है तो इसी सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दें तो शायद ये सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या किया गया एक दरोगा बिठा दिया गया एक डिस्ट्रिक्ट है ठीक है डिस्ट्रिक्ट में है ये पूरा डिस्ट्रिक्ट एक दरोगा के अंडर आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर एक एसपी भी होगा जो कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा ये एस पी जो है इस डिस्ट्रिक्ट का हेड हो गया ओके और इसमें एक और चीज़ हो गई थी जो पहले ज़मींदार जो हैं वो गड़बड़ कर रहे थे डकैत वगैरह के साथ मिल रहे थे और दिक्कत क्रिएट कर रहे थे तो लॉर्ड कॉर्नावेलिस आके ये कहता है कि भाई ज़मींदार को तो आप पुलिस ड्यूटी से बाहर ही निकाल दो क्योंकि ये लोग तो किसी काम के नहीं है तो ज़मींदार को पुलिस ड्यूटी से बिल्कुल हटा दिया गया था तो ज़मींदार इस जगह पर बिल्कुल अपॉलिश कर दिए गए ये था कॉर्नावेलिस के टाइम पर तो कॉर्नावेलेस को फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया भी कहा जाता है इसी वजह से ये कॉर्ना कोड लेके आया था जिसमें गवर्निंग पुलिसिंग जुडिशल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोविजंस बताए गए थे तो यही सिस्टम को थोड़ा सा इन्होंने पुराना सिस्टम ले गया मॉडर्नाइज़ कर दिया और वही चीज़ बन गई और यहाँ पर एक प्रोविज़न के लिए बहुत माना जाता है लॉर्ड कॉर्नावेलेस का सिस्टम ये था परमानेंट सेटलमेंट का ये ज़मींदारी सिस्टम का जिसमें एक रेवेन्यू कलेक्शन स्कीम इस्टैब्लिश हुई थी जो कि ट्वेंटिय सेंचुरी तक चलती रही थी तो ज़मींदार्स को पुलिस ड्यूटी से हटा करके इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन स्कीम में डाल दिया कि तुम लोग ये वाली चीज़ देखो तुम्हारे बस की नहीं है भाई पुलिस ड्यूटी देखना अब 1808 का टाइम होता है जब लॉर्ड मेयो का टाइम आता है तो मेयो क्या करता है ये हर एक डिवीजन में एक एसपी पी इस्टैब्लिश कर देता है क्राइम पेट्रोल देखते हो तो क्राइम पेट्रोल में क्या होता है कि हर एक थाने में क्या होता है आधे से ज़्यादा केस कौन सॉल्व करता है जो उनके वो लगाए होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको है ना स्पाइज कह सकते हो आप उसको जासूस कह सकते हो है ना कुछ भी ऐसा तो उस टाइम पर इन्हीं स्पाइस को गोएंदास कहा जाता था यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है गोविंदाज कहा जाता था तो यहाँ ये क्या सिस्टम चल रहा था मेयो के टाइम पर ये हर एक डिवीजन में एक एसपी बिठा देता था जिसका एसपी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम किसका था स्पाइस का तो स्पाइस क्या करता था कि ये लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेके आते थे एस के पास एस आगे करके उसको इम्प्लीमेंट करता था अपना जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको आगे लगा के लोगों को अरेस्ट करना वगैरह ये सब सज़ा देने का काम उसका था फिर तो ये स्पाइस जो थे इनके साथ ये दिक्कत और थी ये लोकल लोगों पे बहुत जुल्म करने लगे थे तो वो यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो गई थी बट मेयो के टाइम पर पुलिस सिस्टम काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथन हो गया था और थोड़ा सा रिफॉर्म आने शुरू हुए थे फिर 1814 का टाइम होता है थोड़ा सा और रिफ़ॉर्म का टाइम आ जाता है अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम आ जाता है यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक ऑर्डर करते हैं और जिस ऑर्डर की वजह से दरोगास का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वापस से अब दरोगाज को बुलाया गया कि आपको हम अपॉइंट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या था कि उनके जो सबॉर्डिनेट थे दरोगाज और उनके जो सबॉर्डिनेट थे इनको एक जितना भी पोजिशनस है कंपनी के एक्सेप्ट बंगाल वहाँ पर अबोलिश कर दिया जाता है तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी दरोगा अपॉइंट करने की और उनके सबॉर्डिनेट अपॉइंट करने की ये पावर को अबोलिश कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के एक ऑर्डर से यहाँ पर ये यह ऑर्डर दिया गया और ये पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की गई कि आप अब अपॉइंट नहीं करोगे एक्सेप्शन यहाँ पर सिर्फ बंगाल चल रहा था क्योंकि बंगाल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी इस वजह से बंगाल बचा हुआ था बाकी सब सिस्टम की पावर चली गई थी अब 1828 से लेकर के 1835 का टाइम होता है तो ये कौन सा टाइम होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम होता है अब विलियम बेंटिक का थोड़ा सा हम इसको तोड़ के समझते हैं विलियम मेंटिक सबसे पहले आके इसने अपना जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस एस का ऑफ़िस बिल्कुल ख़त्म कर दिया और इसने कहा कि अब कमिश्नर के पास ये सारी ड्यूटीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी ठीक है हुआ क्या था यहाँ ये आप मोटा मोटा इसको ऐसे समझो कि विलियम मेंटिक के टाइम पे ना पुलिस रिफॉर्म्स का सिस्टम बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्यों क्योंकि एक ही बंदे के पास इन्होंने सारी पावर डाल के और उसको ओवरबर्डन सा कर दिया था इस वजह से ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मिसडअप और बहुत गंदा हो गया था क्या था ये बेसिकली कि लॉर्ड विलियम मेंटेक ने एक तो एसपी का ऑफ़िस खत्म ही कर दिया फिर अब ऑफ़िस एक खत्म हुआ है तो दूसरा कोई तो ऑफिस आएगा ही उसमें जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा तो इन्होंने क्या कहा कि, क्या कहा कि कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट इसकी ड्यूटी होगी कि अब ये पुलिस फोर्स को हेड करेंगे ठीक है अब कलेक्टर के पास तो पहले ही बहुत काम था अब वो पुलिस फोर्स को भी हेड करेंगे तो फिर कितना काम आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अपनी जुरिस्डिक्शन में आ गया कलेक्टर और मजिस्ट्रेट जहाँ पर भी बैठे होंगे उनकी जुरिस्डिक्शन में जो भी पुलिस फोर्स होगी वो ये हेड करेंगे और जो भी कमिश्नर होगा हर एक डिवीजन का वो एस की तरह एक्ट करेगा ठीक है तो यहाँ पर ये सिस्टम चल गया ये अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज पुलिस सिस्टम की तरफ जाता है बहुत गंदा सिस्टम बन जाता है कलेक्टर पे या मजिस्ट्रेट कह लो उसको उस पर बहुत हैवी बर्डन बन जाता है तो जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन्स होते हैं उसको आ, सबसे पहले ये कलेक्टर और मजिस्ट्रेट का जो ये ड्यूटीज़ होती है उन्होंने सेपरेट कर दी थी प्रेजिडेंसी टाउन्स में ठीक है तो ये सबसे पहले थे प्रेजिडेंसी टाउन्स ऐसे थे जो कि उन्होंने अपनी ये ड्यूटीज सेपरेट की थी पर यहाँ पर दिक्कत ये आ गई थी कि पुलिस कमीशन आई थी उसके बाद 1860 की जिस जिसने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे कि इसको हम ठीक कैसे करें क्योंकि विलियम बेंटिक के टाइम पे ना ख़राब ज़्यादा हो गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस फोर्स को अगर लीड कर रहा है डी पे बर्डन इंक्रीज हो गया पुअरली ऑर्गेनाइज पुलिस फोर्स हो गई तो लॉर्ड कॉर्नावेलिस ने ना सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये जो प्रिंसिपल था ये काफ़ी प्रमोट किया था आपने ज़्यादातर रिफॉर्म्स में आप खुद सोचो अगर आप एक ही बंदे को बिठा रहे हो उसको आपने बोला कि आपको ये सौ टेस्ट करने हैं टेस्ट सीरीज में ठीक है और आप मान लो आपने अपने पांच दोस्त बिठाए ठीक है एक दो तीन चार और ये आप पाँचवें हो गए ठीक है आपने ये पांच दोस्त बिठाए कि अब हमें मिलकर ये सौ टेस्ट करने हैं ठीक है तो कौन कर पाएगा ज़्यादा अच्छे से कि भाई पहले के बीस टेस्ट आप करोगे फिर आप करोगे फिर आप करोगे और ऐसे करते करते ये आपके पाँचों में बीस बीस क्वेश्चन डिवाइड हो जाएंगे या बीस बीस टेस्ट डिवाइड हो जाएंगे और ये आसानी से हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में बहुत एफिशिएंटली काम होगा अच्छा काम हो जाएगा काम जल्दी भी हो जाएगा तो कॉर्ना के टाइम ने टाइम पर ज़्यादातर फॉर्म्स में एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का था बट अगर एक ही बंदे को सारी टेस्ट दे दिए सॉल्व करने के लिए सारी पावर दे दी, बर्डन आ जाएगा उस पर और काम अच्छे से हो भी नहीं पाएगा ध्यान भी नहीं दे पाएगा बंदा तो यहाँ पर क्या था कि ये सारे जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिल्कुल निगलेक्ट ही कर दिया कि बिल्कुल बेकार सिस्टम है और इसने ये सेंट्रलाइज और कंसनट्रेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट किया था विलियम बेंटिक ने तो ये बहुत ही गंदा सिस्टम था और ये सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट लाने की बहुत स्कोप था बहुत खराब ही कर दिया था पूरा सिस्टम रिफॉर्म के नाम पर फिर एटीन का टाइम आता है जिसमें पुलिस आयोग या फिर पुलिस कमीशन आप कह सकते हो वो आती है जिसने इंडियन पुलिस एक्ट एटीन का ये एक्ट है उसको इैक्ट किया था तो ये जो पुलिस कमीशन आता है इसने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन्स दिए थे जैसे कि थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा तो एक तो एक सिविल कॉन्स्टेबलरी का एक सिस्टम होगा जो कि जो विलेज सेटअप है उसमें काम करेगा ठीक है तो एक विलेज वॉचमैन होगा अभी आज के टाइम पे कौन होते हैं सरपंच होते हैं ना तो उस टाइम पर भी एक विलेज वॉचमैन लगा दिया था कि ये विलेज वॉचमैन का काम होगा इसके अंडर ये पूरा विलेज का मेंटेनेंस वगैरह ये देखेगा ठीक है बट बाकी की जितनी भी कॉन्स्टेबलरी चल रही है उसके साथ ये टच में रहेगा या रिलेशनशिप में रहेगा तो यहाँ पर क्या चलता है सबसे पहले एक प्रोविंस होता है प्रोविंस का हेड जो है वो रहता है इंस्पेक्टर जनरल ठीक है उसके बाद आता है एक पूरा रेंज आ जाती है तो रेंज का हेड कौन करेगा डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल और उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट को कौन हेड करेगा एस ठीक है तो ये पूरा एक सिस्टम इन्होंने बना दिया था बहुत ही सेपरेट कर दिया था अच्छे से पावर्स भी सेपरेट हो गई थी तो ये सिस्टम बनाया था स्ट्रक्चर यही था सिविल कॉन्स्टेबलरी होगी विलेजेस के लिए और साथ ही साथ इंस्पेक्टर जनरल प्रोविंशियल लेवल पे होंगे डीआईजी हेड ऑफ़ रेंज होंगे और एसपी हेड ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट होंगे तो इससे क्या हुआ था जितने भी क्रिमिनल एक्ट चल रहे थे जैसे कि डकैती हो रही थी ठगी हो रही थी ये सारे सिस्टम जो है धीरे धीरे करके बंद होने लग गए थे या कम होने लग गए थे बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम जरूर आई थी कि पुलिस का जो एटीट्यूड था लोगों के साथ वो अभी भी बहुत बेकार ही था बहुत ही अनसिम्पथेटिक था क्योंकि लोगों को पुलिस को डील तो है अल्टीमेटली लोगों से ही करना करना पड़ता था जो कि आम पब्लिक है उनसे करना पड़ता था तो उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं था पब्लिक की तरफ पुलिस का तो पुलिस जो है वो नेशनल मूवमेंट भी सप्रेस करने में काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया था इसने और इन ऑल इंडिया पुलिस सर्विस के लिए कोई भी प्रोविजंस यहाँ पर नहीं बताए गए थे ओके अब 1902 का टाइम आता है जिसमें जो पुलिस कमीशन होती है वो ये रेकमेंड करती है कि सेंटर में एक सीबीआई बी होना चाहिए और प्रोविंसेस में सीआईडी का इस्टेब्लिश होना चाहिए तो यहाँ पर सेंटर और प्रोविंसेस में जो भी इंस्टीट्यूशनस हैं उसके इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है नाइनटीन ओ टू में पुलिस कमीशन के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर यही आपका पूरा टॉपिक था आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं कि आ, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे कैसे ग्रेजुअली रिफॉर्म्स हुए कुछ चीज़ें अच्छी हुई कुछ चीज़ें बेकार हुई तो इन लोगों ने थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन बिठा के चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट करके आगे बढ़ाई थी तो ये टॉपिक था आपका पुलिस रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश ऑल्सो दिस इज़ आर वेबसाइट्स इनऑप्सिस आई एस डॉट कॉम यहाँ पर आप जाओगे तो मेन पेज पर ही आपको सबसे पहले ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी सीरीज़ का ये पेज मिल जाएगा तो ये ये बेसिकली सीरीज़ सेवेंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रलम्स में हर बार आते हैं हर बार यू पूछता है यू के फेवरेट टॉपिक्स हैं तो ये वो वाले टॉपिक्स कवर करता है ये पर्टिकुलर सीरीज़ ठीक है तो इसका आपको पीडीएफ चाहिए या जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इस पेज से ले सकते हैं जो लोग परचेज़ कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं या इसी पेज से और जो लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये पूरे टॉपिक लिस्ट दी हुई है ये टॉपिक लिस्ट आप खुद से करके भी प्रिपेयर करके जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है क्योंकि काफ़ी हैं तो अगर आप खुद से कर सकते हो देन वेल एंड गुड ठीक है अगर आपके पास टाइम है तो करना चाहिए आपको ये तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं बेसिकली जो जिसमें से यू लगातार पूछता ही है तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनफैक्ट आप कोई भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ तो इस इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए होंगे हमेशा हर एक साल में कभी भी आप उठा लो ठीक है तो आपको काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन का एज मिल जाता है दो में तो इनफैक्ट सिक्सटी फोर क्वेश्चन आए थे दो में थर्टी क्वेश्चन का एज मिल जाता है तो थर्टी क्वेश्चन तो बहुत होते हैं फिफ्टी क्वेश्चन भी आप सही करते हो तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है थर्टी तो बहुत होते हैं ठीक है तो बस इतना ही था इस लेक्चर में बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर